अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। आज जो इस नफसा नफसी के दौर में हम लोग रहते हैं, तो हम हमेशा जो है सोचते हैं कि कोई हमें नहीं समझता, या फिर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइसिस में होते हैं। समटाइम्स इट कैन बी लाइक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मैस्कुलिनिटी क्राइसिस, और भी बहुत सारे आजकल क्राइसिस हैं जिसमें स्पेशली हमारे नौजवान, हमारी यूथ शिकार है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि हमें जो है इल्म की कमी, दीन से दूरी, और इसके साथ साथ विदाउट बीइंग जजमेंटल, अगर कोई ये कहे कि आप हर बात में दीन को ले आती हैं, और लेट सपोज हम किसी और मज़हब की भी बात करते हैं, तो अखलाकियात और कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर मज़हब ही सिखाता है। तो अगर क्योंकि मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं दीन की बात करूँगी, और दीन से ज़्यादा खूबसूरत मज़हब मैंने अब तक नहीं देखा। इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, जिनकी कोटेशंस हैं कि उन्होंने भी इससे ज़्यादा खूबसूरत मज़हब नहीं देखा। तो जस्ट इमेजिन जो मुसलमान नहीं है, वो हमारे दीन की बातें पढ़ के, उस पर अमल करके उसको फ़ायदा जब हासिल होता है, तो वो ये कह सकता है। तो जब हम बहैसियत मुसलमान अगर अपने दीन को प्रॉपरली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, उसकी कोशिश करें, तो हमें जो एक सुकून है ना, जिसकी तलाश में हम भटक रहे होते हैं, हमें ये होता है हमें कोई नहीं समझ रहा, तो देखें आपको कोई नहीं समझेगा, क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझ पाए। जब हम खुद को नहीं समझ पा रहे, तो हमें दुनिया क्यों समझेगी। और स्पेशली हम जब लोगों को ढूंढते हैं, शोल्डर ढूंढते हैं, तो हम जो है यानी कि खुद की ही इंसल्ट कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है, एक वक्त तक तो आपको कोई सुन लेगा, लेकिन उसके बाद कोई बार बार आपको वो सेम चीज़ें नहीं सुनेगा। एट द एंड एक ही ज़ात है, जो रब कायनात की ज़ात है, जो कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। जस्ट इमेजिन जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, उस वक्त अगर हमें कोई अपना, जिसको हम अपना कहते हैं, वो आपको उस वक्त कह दे कि परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और नो डाउट ऐसा कर लेना चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इंसान को इंसान की दवा बनाया है, इसीलिए अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, और हुक्म बात की भी वैल्यू है। लेकिन इंसान जो है वो सामने वाले शख्स से जिससे आप बात कर रहे हो, वो भी इंसान है, तो वो एक लिमिट तक ही आपको कंसोल कर सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला की वो वाहिद ज़ात है जो कि आपको कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अल्लाह तो कहता है, अल्लाह तो क्लेम कर रहा है ना कि और हम तुम्हारी रग जान से भी ज़्यादा करीब हैं, यानी हम तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। और जब मौत की हकीकत हमारी आंखें खोलने को तारी होती हैं, यानी जो हकीकत खोलने को तारी होती है, जब मौत आती है, उस वक्त भी अल्लाह ताला ही सबसे ज़्यादा करीब होता है, मौत का फरिश्ता अल्लाह और वो इंसान। तो वो बात सारी ये है प्रैक्टिस मुस्लिम बनने की, अमल करने की। यकीन माने, दुनिया का जितना से जितना बड़ा मसला क्यों ना हो, अगरचा हमारा ईमान की अगर 1% भी चिंगारी हमारे दिल में है ना, तो हम इन प्रॉब्लम्स को आसानी फेस कर सकेंगे, क्योंकि हमारी मदद अल्लाह करेगा। और जिसके साथ अल्लाह ताला की मदद हो, तो आप ये सोचेंगे उसका तो बेड़ा ही पार है। ये बातें बताने का मकसद ये है कि मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीइंग अ टीचर और बीइंग अ मदर, मैं माशाल्लाह माँ भी हूँ, और मेरे बच्चों के भी दोस्त हैं, और अब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ कि बच्चों में कौन कौन से क्राइसिस आ सकते हैं, और उनको कैसे एजुकेट करना है। इसके अलावा जितने भी यूथ हैं, तो यूथ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार है, क्राइसिस का। तो ख़ास तौर से ये वीडियो मैं बेटों के लिए, भाइयों के लिए बना रही हूँ, जो इनके इस किस्म के क्राइसिस में है। बहनों बेटियों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। और ये है कि जो है ना, वैसे तो कुछ चीज़ें हैं कि वो जनरलाइज हैं, दोनों के लिए हो सकती हैं फ़ायदेमंद, लेकिन यहाँ पे जो है स्पेशली मैं बच्चों बेटों की बातें कर रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा इन क्राइसिस में है कि हमें कोई नहीं मिल रहा, और हमारी कोई बात नहीं समझ रहा, तो वो एडिक्शन में चले जाते हैं, रॉन्ग वे पे चले जाते हैं, और एक बार एडिक्शन हो गई तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अब क्या करें कि अगर आपकी कोई फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आप किसी एब्यूसिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिसाल के तौर से कोई एब्यूसिव पेरेंटिंग या समथिंग लाइक दैट, कोई इशू है जो आपको नहीं समझ पाएगा, या उनको खुद ही कोई शऊर नहीं है, तो वो आपको क्या समझाएंगे। तो उस सिचुएशन में फिर आप इन चीज़ों से कैसे निकले, उस वक्त आपने ही तो स्टेप उठाना है, तो उस वक्त आपकी मदद कौन करेगा। आपकी मदद सिर्फ़ और सिर्फ जिस सुकून, जिस चीज़ को तलाश करने के लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं। एक बार वो कहते हैं ना, एक सजदा जिसे तू समझता है गिरा, हज़ारों सजदे से दिलाता है आदमी को, इंसान को निजात। तो यकीन माने, सच्ची तौबा अल्लाह ताला से हम करें, तो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह ज़रूर सुकून प्रोवाइड करेगा, राह रास्त दिखाएगा, हमें बड़े से बड़े मुश्किल हालात से निकाल देगा। ये मत भूलें कि हज़रत यूनुस को अल्लाह ताला ने मछली के पेट में ज़िंदा रखा था। इसके अलावा जो है, हज़रत यूसुफ़ जब उनके अपने ही भाइयों ने उनको कुएँ में धक्का दिया, तो वो जो है
कहाँ उन्हें कुएं में डाला गया था मारने के लिए और कहाँ वो बादशाह बन गए। तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो मोटिवेशन देते हैं। अब ये मिसालें कब आएंगी, जब हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, जब हम दीन को फॉलो करेंगे, जब हम सीरा पढ़ेंगे, जब हम पैगंबरों की असहाबों की स्टोरीज सुनेंगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनको जो बहुत ज़्यादा उन्होंने यानी आसूदगी में दिन गुजारे, बहुत अच्छे दिन गुजारे, लेकिन जैसे ही उन पर आजमाइश आई तो ऐसी आजमाइश आई कि कोई और इंसान शायद उसको फेस नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा कि जब अल्लाह ने मुझे इतने आसानी के इतने बेहतरीन दिन दिया था, इतनी औलादों से नवाजा था, इतनी दौलत से नवाजा था, इतने सोने हीरे जवाहरात से नवाजा था, और आज अगर अल्लाह ने मुझे ये बीमारी या तकलीफ दी है, उनको बीमारी भी ऐसी हो गई थी कि उनके ज़ख्म बन गए थे हाथ और पाँव पे और पूरे जिस्म पे, और कीड़े जो हैं उठ के उनसे खाना खाते थे, और जैसे ही कीड़ा गिरता था वो उठा के उस पर रखते थे कि शायद अल्लाह ने इनका रिस्क जो है मेरे खून से लिखा है। तो ये मोटिवेशन मिलती है, अल्लाह ताला जो है हमें ईमान की मजबूती दे। अब जब हम ईमान को और अल्लाह की रस्सी को थामेंगे, अल्लाह ख़ुद मदद करेगा। तो बस मुझे ये अवेयरनेस देनी थी कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप तन्हा हैं, आपको कोई नहीं समझ रहा, तो रब्बे कायनात है आपको समझने के लिए, उससे मदद मांगे। आमीन।